दोस्तों आपने कई जगह ऐसा सुना होगा कि किसी व्यक्ति के एक दो या तीन पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके कई सारी पत्नियां हैं। लोग इनके बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि आज के जमाने में जहां इंसान एक पत्नी का खर्चा सही से नहीं उठा पाता है तो यह लोग कैसे मैनेज करते होंगे। तो आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे ही पांच व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने 10 से अधिक शादियां की हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें मल्टीपल द गुरुजी चैनल को ऐसे ही रोचक और अजीब जानकारियों के बारे में। लेट्स बिगिन। सलेह अल सारी सऊदी अरब का रहने वाला है और इस 58 साल के व्यापारी की 58 पत्नियां हैं, लेकिन इन 58 पत्नियों में से ज्यादातर पत्नियों के नाम उसे पता भी नहीं है। इस व्यक्ति के 10 लड़के और 28 लड़कियां हैं, जिसमें से सबसे बड़े बेटे की उम्र 42 साल है। इसके अभी तक के सभी शादियों का खर्च लगभग 22 करोड़ आ चुका है। यह व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता है और कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में एक साथ 4 पत्नियों को रख सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति यह मानता है कि उसकी 3 पत्नियां परमानेंट हैं और वह अपनी हर चौथी पत्नी को बार बार बदलता रहता है। विंसन ब्लैकमोर। विंसन बहुत सारी शादियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह व्यक्ति दुनिया का वह इंसान है जिसके सबसे अधिक पत्नियां हैं और यह कनाडा का रहने वाला है। इस व्यक्ति की उम्र 59 साल है और यह व्यक्ति कभी भी नई शादी करने के लिए शर्माता नहीं है। इस शख्स ने एक ही चर्च में अभी तक 27 शादी की है और उसके अभी तक 145 बच्चे हैं। हालांकि अब कनाडा सरकार विंसन पर दबाव बनाना शुरू कर दी है। जैकोब जुमा, साउथ अफ्रीका। अब अगर और कोई बहुत सी शादियां करे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक राष्ट्रपति ऐसा करे तो सभी का ध्यान चला ही जाता है। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके जैकोब जुमा अब तक 17 शादियां कर चुके हैं। उनकी इतनी पत्नियां होने से उनकी पत्नियों में से ही एक ने जहर देकर जैकोब को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनके भाग्य ने उनका साथ दिया और वे बच गए। किंग मस्वाती थर्ड, स्वाजीलैंड। किंग मस्वाती थर्ड साउथ अफ्रीका का आखिरी मोनार्क था और इस शख्स ने स्वाजीलैंड पे राज किया था। 50 साल के इस राजा की 14 पत्नियां थी। हालांकि इस शख्स ने 3 पत्नियों को तालाक दे दिया था और उनके कुल 24 बच्चे हैं। उनकी इन पत्नियों में से एक पत्नी ने सुसाइड कर दिया था, क्योंकि वो अपने पति के इस करेक्टर की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। इस वजह से वह ड्रग्स का सेवन करने लगी थी, जो बाद में उसकी मौत का कारण बन गया। किंग मस्वाती की सबसे ताजा तरीन पत्नी 19 साल की सैफाले मस्वाना थी। राजा को यह परंपरा उसके पिता से मिली थी, जिन्होंने 70 शादियां की थी और उनके 240 बच्चे थे। जियोना चाना, इंडिया। इस शख्स के दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है और यह परिवार हमारे भारत देश के नॉर्थ ईस्ट स्थित आसाम में रहता है। इस व्यक्ति के कुल 39 पत्नियां हैं, जिनके 94 बच्चे हैं और 33 पोते पोतियां हैं। खास बात यह है कि इस परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और जियोना के घर पर सभी का खाना एक ही किचन में बनता है और ये सभी मिलजुल कर एक ही हॉल में बैठकर खाना खाते हैं। दरअसल जियोना ऐसे संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं जो अपने सदस्यों को असीमित शादी की अनुमति देता है। दोस्तों, क्या हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों में एक से अधिक शादी करना सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।